शांति। <laughs> तो दे देगी है ना? तो अच्छा। किसी ने एक प्रश्न किया कि देखो हम भी बाबा की मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं और सुनाते भी हैं लेकिन दादी जानकी जी जब सवेरे की मुरली पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्लास कराते हैं उसी मुरली पर तो कितने राज उस मुरली से निकलते हैं तो हम लोग तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो दादी कैसे मक्खन निकालती है मुरलियों से वो हमें अपना अनुभव सुनाए दादी क्योंकि बिल्कुल वो मुरली वो ही होती है लेकिन दादी उसमें से कैसे मक्खन निकालती है अच्छा सार में बता अच्छा बताती हूँ मक्खन निकालना <laughs> मक्खन कान की कला चाहिए ना आज के सामान में तो बना बनाया बना बटर का लेके आते हैं हमारे कराची में अभी भी शायद मक्खन निकलता है नहीं निकलता है निकलता है दादी निकलता, निकलता, निकलता है दादा निकलता है, ये बाबा का शुरू शुरू में सुबह को एक बहन हमारी थी आनंदी मक्खन निकालती थी धीरे धीरे मक्खन निकालने के लिए अक्ल चाहिए थोड़ा ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं निकलता है न रहेगी छाछ न रहेगा मक्खन तो भाई है जो मक्खन जल्दी जल्दी वो वो करेंगे तो न रहेगी छाछ न रहेगा मक्खन तो जल्दी जल्दी जो सोचने वाले होते हैं ना वो मक्खन निकाल नहीं सकते है <laughs> यहाँ सोचने का तरीका ऐसे भाई इस करी थोड़ा गर्म पानी चाहिए ठंडा पानी चाहिए ये चाहिए मक्खन ऐसा निकल आए फिर उसको ऐसे निकल के लगा, तो छाछ अलग अच्छी मक्खन अलग मक्खन ताकत देता है छाछ ठंडा बना देती है अंदर अच्छा तो दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं मूली से ठंडाई भी आ जाती है बहुत शक्ति भी आ जाती है क्योंकि और एक बात जूथरी भी है एक बारी बाबा को किसने कहा यानी किसी ऐसे आपस में कहा मूली तो सेम ही होती है उसका जो मैंने बाबा का चेहरा देखा ना कभी मूली सेम नहीं है रोज मुली में न होता है भले रिवाइज कोर्स चल रहा है मेरे ख्याल में पांचवा वारी होगा या छठा वारी होगा तो हम जब भी मूल्य हाथ में उठाएंगे मूली नहीं है एकदम पहले आगे चार बातें उठाती थी शुरू शुरू में ज्ञान की योग की धारणा की सेवा की हर मूली में चारों सब्जेक्ट बातें है आज ज्ञान के बारे योग के बारे धारणा के बारे सेवा के बारे बाबा ने क्या बोला रोज नई बात है अभी दस बातें निकालती हूं क्योंकि एक 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 काम की बात है बहुत तो इसलिए काम चलाऊं ऐसे मुली पढ़ लू पहले जैसे या पहले पढ़ेंगी फिर मैं बताती हूँ स्नान करेगी ना तो डांस करती हूँ बोली स्नान भी कर लेती हूँ <laughs> पर बोली जो पढ़ के स्नान पीछे करती हूँ उसमें जो मज़ा आता है ये भी बात अच्छी है ये भी बात अच्छी है तो दस पंद्रह स्नान भी बहुत टाइम लंबा टाइम नहीं करती हूँ कहीं को स्नान में भी लंबा टाइम करते हैं टाइम अपना बहुत नहीं देती हूँ कोई परंतु तो वो बड़ा यूजफुल है मज़ा आता है जिस गरीब मुरली पर के जाकर के स्नान पर जा। जो मुझे खुशी होती है कैसा भी कोई होगा ना कुछ भी हम मुझे कहे कहेंगे अच छोड़ दो ना क्लास में नहीं आओ ना रेस्ट करो मैं करूं। कुछ इसको समझते नहीं क्या कहते हैं ये है मेरी बात दिल की बात ताकत भी मिलती है ठंडाई भी मिलती है जो चाहिए लाइफ में मक्खन भी चाहिए छाछ भी चाहिए छाछ छाछ भी बहुत काम में आती है बहुत काम में आती है सारे हमारे भंडारे में शुरू से लेकर के छाछ पे करी भी पर छाछ ऐसी पियो तो भी बहुत अच्छी कई छाछ से भी काम होते मक्खन से समझा मंथन करना एक मनन, दूसरा चिंतन फिर है मंथन अगर मन में मुझे मुरली की बातें अंदर लग गई ना तो मन और कहीं जाता नहीं है जो आज बाबा भटकना से छूट जाता है, कहीं जाता ही नहीं है जिस कारण जब पूछते हैं तुम्हारा तो माइंड ऐसे कैसे हुआ है अरे कैसे हुआ है बेचारा कहीं जाता ही नहीं है ना मन में बाबा की बातें चिंतन स्व चिंतन ईश्वर चिंतन जैसे पर चिंतन पर दर्शन बंद हो गया फिर वो जाता है मंथन मंथन गहराई में चले जाएंगे मक्खन शायद नहीं निकल आएंगा पहले मनन चिंतन ऊंच क्वालिटी वाला हो बिल्कुल पहले मन में संकल्प की जो क्वालिटी मन मना जी बस जो बाबा कहते फुल स्टॉप दो ये करो क्वेश्चन उठता ही नहीं है तो क्या वो मनन ने चिंतन को बड़ा शुद्ध अच्छा बनाया चिंतन में जो मैं है मैं रिवाइज करते ये भी बात ये भी बात ये भी अब बाबा की दस बातें तो कब बीस बातें निकल आती है तो चिंतन में जैसे भगवान ने ले लिया जो गीत है हमारा चिंता मेरी तब मिटेंगी जब चिंतन में ले लो राम कोई प्रकार की चिंता होंगी तो चिंतन नहीं चलेगा अच्छा चिंता और चिंतन अपोजिट है किसी प्रकार की भी चिंता अच्छा नहीं लगा ये चिक तो चिंतन अच्छा नहीं होगा चिंतन अच्छा नहीं रहा तो विचार सागर मतन गहराई में जाना तो बेचार गहराई में जाने के लिए तो एकदम डीप जाने के लिए रास्ता अंदर जाने के लिए कोई बंद नहीं कर सकता चिंतन रास्ता बंद कर देता है बाहर लेके आता है अंतर मुखी बने नहीं देता है बाहर सी बातें अंदर लेता है पर अंदर थोड़ा अंदर जाते अच्छा लगा अच्छा लगा पर बाहर आ जाते हैं डीप नहीं जाते हैं डीप जावे ना तो उसकी शक्ति भी मिले ठंडाई भी आवे क्यों बहुत अंदर है घरी घरी चेंज शिकल हो जाती है आवाज करवा हो जाता है ये तो ये ऐसा इतना अच्छा चोपची ज्ञान मिलता है कस्तूरी जैसा ज्ञान मिलता है बाबा कहता है ये तो कस्तूरी देता हो ये तो कितना चोपची नहीं इतना अच्छा स्वादिष्ट बड़ा स्वाद भी आता है वंडरफुल टेस्ट आती है जो पीती रहो पीती रहो पीती रहो अमृत पीती रहो अमृत पीती रहो अमृत छोर भी काय को खा अरे मीठा मीठा लगता है पहले मीठा लगता अच्छा लगता है फिर मीठा लगता है फिर तो रत्नों से खेलते है तो जो रत्नों से खेलते हैं अभी अव्यक्त मुरली चली उसमें बाबा ने कहा कि विघ्न मुक्त बनना है और ये विघ्न ऐसे है जैसे मक्खियां और मच्छर बाबा ने ये शब्द कहे बस इनको तो उड़ाना होता है तो ये विघ्न मुक्त क्योंकि विघ्न तो बहुत आते हैं, कई प्रकार के विघ्न आते हैं तो कैसे ऐसे विघ्न मुक्त तुरंत कैसे बन सकते अच्छा। अभी विघ्न मुक्त को मैंने पहले अलग स्पष्ट करती हूँ मक्खी मच्छर को अलग करती हूँ माया बाबा ने कहा बड़ी बात नहीं है तो एक मक्खी मच्छर पर तो माया पता है चूहा बिल्ली का रूप धारण करती है कभी चूहा कभी बिल्ली कभी कुत्ता कभी भौ भों कभी शेर का रूप धारण करती है परंतु तो वह तमें है कुछ भी नहीं हा? है कुछ भी नहीं परंतु तो हमारी गफलत है सफाई नहीं है मक्खी मच्छर क्यों आता है सफाई नहीं है चूहा बिली क्यों आता है चूहा ऐसा आता है घर दरी बन के अंदर आता है सारा जूठा करके चला जाता है जैसे दिखाता है मैं आई मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया अरे तुम सारा काम खराब करके गया तो बहुत माया पहले चूहे के भी रूप में आती है कईयों को पता नहीं है ये चूहा आया तो इसलिए चूहा रखना चाहिए चूहा कभी ना आवे चूहा कभी ना आवे इतनी सफाई रखनी चाहिए जब मैं लंदन में गई ना तो वहां थोड़ा चूहा आने लगा भंडारे में घर तो छोटा ही था टेंशन रोड तो काउंसिल वालों ने हमारी रिपोर्ट की इंडियन ऐसे है खाना ऐसे रखते हैं तभी उनके पास चूहा आता है मैंने कहा ये कहते इंडियन ऐसे होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता आवे घर में क्यों चूहे से बीमारियां पैदा होती है बहुत तब से लेकर ऐसी मजाला चूहा आवे सू नहीं आ सकता इधर उधर छोड़ देते ना चीजें गफलत चूहा काटेगा अम्मी न होशार है काटेगा अंगूठे को यहां को फिर फूक देगा काटेगा फिर खून जब देगा अरे ये क्या हुआ पता भी नहीं चला चूहा ऐसे काट के चला गया वो करता ऐसे करके छिप जाता है तो माया ऐसा रूप धारण करती करके छिप जाती है पीछे जब देखते हैं ये तो क्या हो गया क्या हो गया बीमारी आ गई ये हो गया ये हो गया और एक आता है फिर दूसरा भी आता है उसके फैमिली है चूहों की भी हाँ। तो इससे लिए पहले तो मक्खी मच्छर तो बाबा ने अब भी, अब भी, अब भी तो मैंने जब सुना ना बाबा ने मक्खी मच्छर कहा मैंने कहा ये सफाई की कमी है सफाई ना होने के कारण हा? ये भी ध्यान रखते हैं हा? मच्छर भी क्यों आता है कुछ सफाई नहीं है अच्छा आया लगाया वो दवाई लगाते मच्छर की दवाई लगा देते जरा मर जाए मैं इतना बताती इतना खबरदार रहती हूँ एक बार मक्खी मक्खी ने मुझे काटा था कितना समय यहाँ यहाँ पूरा हुआ था पैदल कर रही थी जी आर सी में मंदा मेरे साथ थी तो मक्खी यहां से आई ऐसे करके एक मिनट में काट के गई उसका कितना ऐसे 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 करता रह करते रहे करता तब से लेकर पैदल करती हूँ ना संभालती हूँ ऐसे घूम के आना जाए काटने के लिए तो बड़ा केयरलेस नेचर वाले के पास मक्खी मच्छर आता है समझा वो काट के चला जाता है फिर फूल जाता है फिर वो जाता नहीं आखिर मुझे कटवाना पड़ा अंदर उसका पंख अंदर चला गया था मक्खी का निकलवाना पड़ा तो इतने ये खतरनाक बातें हैं, तो क्यों ब्राह्मण है ना बड़ी सफाई चाहिए जो एक बारी अभी नीचे बताया था शुद्ध पवित्र पावन में क्या फर्क है अभी नहीं रिपीट करती हूं शुद्ध पवित्र फिर है पावन बाबा पतित पावन है पहले ब्राह्मण शुद्ध बनाता है हमको बाबा किचरे से निकालता है शुद्धि सब बात नहीं शुद्धि खान पान की शुद्धि रहन सहन की शुद्धि और कमरा भी किसको देखती हूँ ना बेडरूम भी देखती वो भी शुद्ध नहीं होता है कल मां किसके परसों दिल्ली में किसके बाथरूम में गई मैंने कहा बाथरूम में भी अच्छी नहीं रहती है शुद्धि का महत्व तो बहुत है जो अलबेले होते हैं ना लापरवाह होते हैं ना वो शुद्धि के महत्व को नहीं जानते हैं तो आत्मा इतनी शुद्ध जो नहीं बनी तो कंप्लीट प्यूरिटी आ नहीं सकती प्यूरिटी संकल्प में इतनी शुद्धि जब शुद्ध है ना तो पवित्र है पवित्र पीछे बनता है देवताएं पवित्र है शुद्ध नहीं कहेंगे ब्रह्म पहले शुद्धि देवता पवित्र पर इतने श्रेष्ठ पूज्य पावन तो इतना अंदर से विचार करते हैं मेरे तो अभी मैं पता नहीं कहां थी बैठी थी बैठी थी मेरे सामने मक्खी आई तो जो मेरे बाजू बैठती उसे मक्खी उड़ा दी मैं क्यों ख्याल करूं? मैंने कहा बाबा बैठता है कभी फूलों के आगे कोई मच्छर और मक्खी होता है कभी तो बाबा थोड़ी उड़ाता है उठ के जाके हम अगर इतने अच्छे उसमें रहेंगे तो कोई भूल से मक्खी मच्छर घूमेगा तो कोई उठ के निकाल देगा उसको मैं। ता हम इतने ऐसी स्थिति में रहे जिसको बाबा कहते विघन मुक्त कोई भी विघ्न आया चला गया मजाला ठहरे आएंगा टेस्ट लेने के लिए तो एक दादी गुरजार से बात हुई थी जो हम दिल्ली पहले वाली गई पर बाबा पीछे आया था बाबा आया था तो मैंने कहा ग्रहचारी विघन और छाया अच्छा बुद्धि काम को ठीक न करे पर छाया दूसरों का जो सुना हुआ अनुभव किया हुआ वही बुद्धि में काम करता रहे तो उसके ऊपर छत्र छाया नहीं होंगी ग्रहचारी होती है क्योंकि अभिमान ग्रहचारी मिल जाती थोड़ा ही किया मन चरा दे मन स्थिति नहीं है तो ग्रहचारी बैठती है और जब ग्रहचारी बैठती है दे दान छुट्टे ग्रहण बाबा कहते सच बता दो रियलाइज करो मेरी यह भूल है तो ग्रहचारी चाहे और ग्रहचारी तन पर मन पर धन पर संबंध पर सफलता होने नहीं देती है कभी तन की खिटपीट कभी मन की खिटपीट कभी धन की खिटपीट कभी संबंध की खिटपीट तो ध्यान रखना चाहिए गुरु कृपा हो विस्पत की दशा हो विस्पत की दशा हो पता चलता है विस्पत की दशा है मंडर है इसका सब सफला शरीर भी ठीक है थोड़ी बहुत कोई बात नहीं है चेहरे पर नहीं आवे दर्द पड़ा ओ भले टांग में दर्द पड़े छाती में दर्द पड़े पर इसमें क्यों आ, दर्द पड़ा शिकल को क्यों आया बीमारी रोना क्यों आया मुझे अरे आया है सो जाएगा, जल्दी जो है ना जैसे ओ, क्या कहते हैं नाजिक नाजिक बहुत डुबड़े ढोर के बच्चर बहुत लगते हैं जो नाजिक होते हैं ना उसको बच्चर ज्यादा है, लगते हैं कुछ छोटी चोट छोटी बात उसको लगती है तो मजबूत बनना चाहिए एकदम समझ जाए और एकदम सेकंड में समझ गए ग्रह सोचा तो ग्रहचारी बैठी ग्रहचारी ने बैठी, पता चल जाता है जिसको ये भी पता नहीं चलता है ना तो लंबी चल ग्रहचारी लंबा टाइम चलती है ग्रहचारी पता चले सदाई मेरे पर विस्पत की दशा हो माना गुरु कृपा हो बाप का प्यार सच्चा हो और टीचर अच्छा पढ़ते हैं ना टीचर का कुदरती ध्यान जाता है मेरे स्कूल का बच्चा ये अच्छा है बच्चा अच्छा है बच्चा अच्छा है जब बताया था स्कूल थोड़ा समय पढ़ी थी पर जब बॉम्बे में मुझे बूढ़ी टीचर मिली अरे इतना प्यार से मिली प्यार से मिली वो भी बूढ़ी हो गई थी इतना बाकी पहने प्यार किया भाई मैंने इसको पढ़ाया था मैंने कहा तुम बड़ी अच्छी मेरी टीचर थी तो वो टीचर बाबा ने भी कहा था अच्छे बच्चे पढ़ते टीचर को प्रेजेंट करते हैं गिफ्ट देते और टीचर फिर ऐसा भी होता है पढ़ करके मेरा बच्चा जो पढ़ा है ना बड़ा धनवान बन जाए बड़ा अच्छा बन जाए ऐसे नहीं टीचर बन जाए बाबा ने कहा टीचर जो पढ़ाता है वो ये नहीं तो पढ़ाता तुम टीचर बन जा टीचर बनना क्या है क्या टीचर की जाब क्या है क्या है टीचर की जाब और टीचर जिसने पढ़ाया बच्चा इतना बड़ा धनवान हो गया इतना अच्छा पुण्य कर्म करने वाला इतना अच्छा बन गया तो उसके ऊपर फिर गुरु कृपा है क्योंकि अच्छा कर्म सीख गया ना योगी रहा ना तो बाप बाप टीचर सतगुरु तीनों है ना तो तीनों का कट्ठा हमारे साथ सदा ही हो ये बात ध्यान पर रखना सुना बाप टीचर सतगुरु बाप का प्यार होता है जो हम आज्ञाकारी मैंने आज किसको अनुभव सुनाया थोड़ा कई बार कई बार ऐसे हो, हुआ है समझो शरीर को या कोई बात ऐसी आई तो मैंने कहा बाबा आपने कहा था जब तुम हमारे पास बात आएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा बाबा को याद दिलाया <laughs> बाबा टेस्ट करते है ना मुझे बच्ची घबराती तो नहीं है बस बाबा को ऐसे याद दिलाया बाबा आपने कहा था जब बच्ची तुम याद करेंगी मैं हाजिर हो जाएगा बाबा हाजिर हो गया बात ठीक हो गई वंडरफुल बात इतना अच्छा बाबा को याद करें बाबा मैं क्यों क्या जानू और बाबा ने मुझे डायरेक्ट कहा था साकार में भी एक बारी कहा हजूर कुछ हुक्म है मैं ऐसे ऐसे होने बाबा बाबा बोले हजूर कुछ हुक्म है तो मैं ऐसे आंखें कर बच्ची हां जी किया है ना सदा हजूर तुम्हारे सामने सदा हाजुर रहेगा ताली तो बचा कितनी दिल की बात है दिल की बातें सुना रही हूं प्रैक्टिकल की बात है हजूर तुम्हारे सामने हाजुर रहेगा तो वायदा निभा रहा है और हमने भी वायदा किया है वायदा निभाना ही होगा जी बाबा जरूर क्यों नहीं बड़े प्यार से वायदा निभाने वाले को फायदा बहुत है वायदा निभाने वाले को इतने फायदे हैं जो बस बात बात कुछ, तो इतना बाबा से कनेक्शन एक्यूरेट हो कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मुझ जाते हुए चलो कोई हजार जान ठीक है क्या बड़ी बात तो औरों से कनेक्शन जुट जाता दे अपने देव से कनेक्शन छोड़ना है बॉडीलेस बनना है अपनी बाडी से बाडीलेस बनना है शरीर बनना है बाकी और देवधारी से लटकेंगे तो बॉडीलेस कभी बनेंगे नहीं बड़े लौकिक से छूट गया लेकिन ईश्वरी परिवार से भी किसी के साथ या स्नेह का या तो द्वेष भाव का बस बीच में कोई भी देधारी रहा तो कभी भी विदेही बनने का भाग्य मिलेगा ही नहीं इतना भगवान के पास करे कायदे भी है वैद्य है कैदे है फायदे भी है ध्यान न रखेंगे कैदे को नहीं समझेंगे वायदा नहीं करेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा किसी कारण से भी बीच में देधारी बना किसका स्वभाव किसकी बात किसकी चीत बीच में लाई ना या अपनी कोई लाई ना तो बाबा से कनेक्शन थोड़ा समय जुटा था पता था छूट गया तो कनेक्शन नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा और रिलेशन फिर बाबा ने कह दिया है, और ये भी अच्छा अनुभव करने वाली बातें हैं माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु पांचों संबंध का रिलेशन इतना अच्छा हो एक, -एक संबंध का अलग है माता का लगा ये दीदी और हमने जान करके बाबा अव्यक्त हुआ उसके बाद बाबा ने कहा था बाबा के बच्चे तो बहुत है बाबा को बच्चा किसने बनाया तो बाबा ने तो दी मैं तभी म्यूजियम में रात को रही थी जा करके तो दीदी कहती है जानकी आकर करके बताएंगी बाबा को बच्चा कैसे बनाया जाए अच्छा दीदी मुझे ये बता ना बाबा को बच्चा कैसे बनाया जाए एक है बाबा को ब, बाबा का बच्चा हूं तो मुझे वो याद है दीदी ने मेरे हुक्म किया ये क्लास कराओ मैंने कहा अच्छा क्लास कराएंगी एक है बाबा का बच्चा बनना तो सुपुत बनना तो बाबा का बच्चा बनाना माना उन जैसा तो कोई है नहीं ब्यूटीफुल सारा बच्चे के लिए सब कुछ उसके लिए है सब कुछ उसके लिए है मेरे पास कुछ है। इतना बाबा से सच्चा संबंध का फिर ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन इतना सहज शांति से ही सब सुनता है काम करता है इतना अच्छा है कुछ उसको बोलने की जरूरत नहीं है उसको भी हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप ही करता है कनेक्शन रिलेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सारी दुनिया भी ऐसे चल रही है आज कल सारी दुनिया यहाँ क्लास होता है ना वो किसमें रोजर में चला जाता है हाँ, सबको मिल जाता है कम्युनिकेशन है ना तो इनसे रिलेशन अच्छा है ना ब्राह्मण परिवार का ओके okay? तो इनसे विघ्न मुक्त बनेंगे पता चल जाता है थोड़ा बहुत मेरी अविस्था में विघ्न आया है एक्स्ट्रा योग करना चाहिए अभी यहां योग में बैठते ना तो किसी घर योग लगता होगा अगर एक बारी भी झुटका आवे ना क्लास में फिर से चुनरी पहननी चाहिए अपन को बाबा सिखाता था, था किसी किसी की ये भी विघ्न होता है योग में नींद जरूर आएंगी काम करते नींद नहीं आएंगी बात करते क्लास कराते भी नींद नहीं आएगी पर योग में बैठे आएंगी तो विघ्न समझना चाहिए इसको चला नहीं लेना चाहिए कईयों का उम्र चला है कई आत्माओं ने भी किया सफलता नहीं पाई कारण अंत सूक्षम कौन सी ऐसी बात है जो मुझे योगी बनने नहीं देती पहले याद फिर योग फिर यात्रा याद ऐसी अटूट ऐसी बाबा की याद हो हर प्रकार से याद हो हर बात में याद हो हर चरित्र में याद हो योग ऐसा हो कनेक्शन ऐसा हो बाबा के साथ राजयोगी है कर्मातीत बनना है ये करना है पर यात्रा पर जा रहे हैं अभी टाइम थोड़ा है तीनों का कट्ठी बात है जा रहे हैं ये ध्यान नहीं है ना तो योग लगता नहीं है इतना ही ख्याल है जा रहे हैं में जा रहे हैं है। अशरीर बनना है बाबा जैसे आप वहां रहते हो ना वैसे मुझे भी ऐसे स्थिति शिव बाबा कैसा है ब्रह्मा बाबा कैसा है दोनों को सामने रखना है सारा दिन सुपन में भी संकल्प में भी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा अलग नहीं है परंतु तो वो कहता है उसको याद करो वो कहता है उसको फॉलो करो दोनों की बात माननी पड़ेगी ये कहता है उसको याद करो और वो कहता है इसको फॉलो करो अगर दोनों बातें नहीं करेंगे कोई कहेगा मैं तो शिव बाबा को ज़्यादा अच्छा करती हूं बहुत अच्छा योग है अरे साकार बाप को सामने न रखेंगे तुम्हारा चरित्र ऊंचा नहीं बनेगा बोले कितना भी याद करके हलवा खाए बड़ा योग्य है योग कराने में पर बाबा को फॉलो नहीं कर रहा है इतना चरित्र ऊंचा नहीं है जो उनसे जो बाबा ने किया कराया है वो कर रहा है वो अपने मत से नहीं कर रहा है और किसी के डायरेक्शन से नहीं कर रहा है निमित्त कोई डायरेक्शन दे रहा है पर विवेक कहता है ये डायरेक्शन निमित्त इनके द्वारा है परंतु बाबा का डायरेक्शन है जैसे अभी करना है उसमें बड़ा अलर्ट एक्यूरेट रहना है तो अलर्ट रहना भी बड़ी भारी अपनी उन्नति के लिए साधना है सुस्ती बड़ी दुश्मन है जैसे काम महान शत्रु है वैसे सुस्ती महान शत्रु है सुस्ती पर विजय नहीं पहनी और सुस्ती होती है थकावट के कारण थका माया ने थकाया है या पुरुषार्थ भी अच्छा नहीं करते हैं ना तो और बातों में चले जाते हैं ना थक जाते हैं सेवा इतनी नहीं करते है जो भाई सेवा इतनी की है तो इस कारण थके है सेवा तो मैं कहती हूँ जो हम यज्ञ सेवा है शुरू में जो हम बाबा के बच्चे थोड़े थे पर सब प्रकार अभी तो सफाई करने वाले और है फदाने और है उस चीज अभी बात तो शुरू में तो सब अपने हाथों से किया है यज्ञ सेवा में कोई थका यज्ञ सेवा में तो शक्ति मिल गया थकावट व्यर्थ सोचने की पास्ट में जाने की पास्ट की बातों को लेकर के बैठे हैं ना थोड़ा भी पकड़ के बैठे हैं ना देश संबंध दुनिया रसम रवाज या कोई अपनी नेचर संस्कार इसलिए थकते हैं पर सही रास्ते पर अच्छी तरह से जैसे बाबा लेके जा रहा है तो तो अथक भव का वरदान बाबा से मिल जाता बच्ची हम कहते बाबा जैसे कभी बाबा मैं थकू नहीं कभी ये मैं ये मुझे नहीं कहे तुम बिजी बहुत हो क्या बेचिए नहीं नहीं ये नहीं कहो ऐसा तो अच्छे अच्छे वरदान बाबा से मिल सकते हैं तो इतना लायक बनना चाहिए जो मीठे मीठे बाबा के मुख से जो वचन निकला सत्य वचन महाराज महाराजा बनने वाले को बाबा के वचन सच बाबा ने जो कहा ना वही हुआ है ओके तो विघ्न मुक्त विघ्न मुक्त की घंटा कम से कम बाबा अभी आने वाला है, उसके पहले मेरी स्थिति अंदर विघ्न मुक्त हो जिस स्थान पर हूं, वो भी स्थान में भी कोई आवे नहीं आते है पर नहीं आ सकता कोई ना कोई आसू संस्कार वाले कोई ऐसे किसी ना किसी कारण से आते हैं नहीं आ सके इतना स्पेशल अंदर योग हो गए तीसरा जो भी संपर्क संबंध में है उन आ, उनके आगे भी कोई तकलीफ है तो चार पाते विघ्न मुक्त बनने से औरों को विघ्नों को मुक्त बनाने में मदद करती है पहले हमको विघ्न मुक्त रहना है इतनी पावरफुल याद योग ऐसा हो विघ्न आए ऐसे चला जाए स्थान जहां रहते हैं भले छोटा सा घर है वहां भी विघन मुक्त हो कुछ विघन नहीं आ सकता जहां कोई सेवा पर जाते हैं वहां भी कोई विघन ना आवे कई प्रकार से टचिंग आता है आपको भी कई बार अनुभव सुनाया होगा कहीं बस जिस प्लेन में चरे ना उसके बाद प्लेन चलाई नहीं फलानी जगह जाना है नहीं जाना है तो बस ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा जो करना है वो हो जाएगा जो न करना है उसे फ्री हो जाएंगे ये कमाल है ड्रामा की और बाबा की कई बात देखती है कुछ का एक्सीडेंट होता है कुछ भी होता है कारण जो है उसकी अवस्था पर है उस घड़ी कुछ बुद्धि और कहाँ सोचती थी कोई टेंशन था ये था तो जैसे ड्राइविंग में कार में भी फलाने भी हम ध्यान रखती हूँ ऐसा न मैं ऐसी स्थिति में रहूँ कोई ड्राइवर कभी कोई फालतू चिंतन में हो फालतू बात एक्सीडेंट होगा सारी भर में हा हो, हो हो जाएंगी तो जो ड्राइवर ड्राइवर करता है वो खबरदार करती है उसको अरे तुम्हारे से कुछ एक्सीडेंट हुआ सारी दुनिया में तुम पकड़ा जाएगा तो तो हपन को तो खबरदार रहना है लेकिन जिनके जहां निमित्त है उनको भी खबरदार रखना है जो कोई कारण से हमारी यज्ञ की हो हो ना हो जाए नाम बाला करने में टाइम लगा है पर हो हो करने में जो फाटू विघ्नों में क्यों कहने कई विघ्न आए है पर उसको पर तो हमको और कुछ यज्ञ में सेवा नहीं कर सकती हूं पर विघ्न तो मुक्त तो बनू सदा हर्षित तो रहू जो कोई बेचारा मुरझाया हुआ उसको मुस्कुराना सिखा दू इतना तो काम करू है? क्योंकि मुरझाना कहीं को आसान है मुस्कुराना मुश्किल है समझा सदा मुस्कुराते रहे ना मुश्किल है क्यों माया मुरझा करती है चेहरा जो होता है मुरझाया हुआ होता है हुआ होता है आवाज में जो होता है ना असंतुष्टि होती है विघ्न मुक्त बनने में आप लोग एक घंटा कम से कम इसके लिए खास तपस्या करो इंडिविजुअली करो मैं बनू मेरे, मेरे विघ्न मुक्त की स्थिति कितनी सेवा करेंगी भाषण करना जरूरी नहीं है भाषण करने वाले भी विघ्न मुक्त नहीं है पर ऐसे नहीं भाषण भी अच्छा है जरूरी करना परंतु तो विघ्न मुक्त स्थिति में रहना बहुत तो धर्मात्मा पुण्यात्मा बनना जो बाब का धर्म और कर्म धर्मात्मा पर ये अटेंशन वाली बात है पर पूरा अपने ऊपर अटेंशन दो ना मेरे को बहुत लगा दादी को मैंने पहले मैंने दिल्ली में पांव रखते ही प्लेन में चढ़ते ही जयंती को कहा था मेरा ध्यान चल रहा है अभी विघन ग्रहचारी और छाया से सब फ्री हो जावे ना तो कैसी वो अवस्था ऐसी होंगी तो वो लहर फैलेगी जल्दी ख्याल फलाना ऐसा है ये डिस्टर्ब करता है ये सोचा तुम डिस्टर्ब कर रहा है फलाना कर रहा है वो तुम सोच रहे हो और को सुना रहे हो वो नहीं कर रहा है डिस्टर्बिस तुम ऐसी बातें करके वायुमंडल ऐसा बना रहे हैं फालतू बात करके जो वायुमंडल बनाते हैं उनसे ही विघ्न बनता है ऊंची बात अच्छी बात विघ्नों को हटाने के लिए यज्ञ रचते यज्ञ में बैठे हैं तो विघ्न मुक्त स्थिति ओके अच्छा नेक्स्ट साढ़े आठ तक तो मिस्टेंट ठीक है ना हाँ मैंने कहा क्लास कराने से क्वेश्चन पूछेंगे स्पष्टीकरण हो जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए फिर दादी लास्ट में सबके लिए सबको टोली भी खिलाएंगे हां जरूर आज, आज विशेष टोली बनवाई है कि मैं सबको अपने हाथ से खिलाऊंगी दादी रतन मै भी आएंगी बहनों को वो खिलाए भाइयों को ऐसे मैं खिलाऊं ऐसे आएंगी दादी भी बैठी है अच्छा और कृष्ण बाबा की मुरली में था कि मन से अभी पहले समझा मक्खी मच्छर कैसे हटा मक्खी मच्छर आप रायल हो गए ना कोई देखेगा ना वो हटा देगा इनके सामने तुम आती होती है खाना भी देंगे ना पर इस पे एक छोटी सी बात हटाती हूँ एक बारी बामे कोला बामे भोग लग रहा था पुष्प शांता दादी बैठी थी भोग लगाने के लिए भोग लगाने बाबा बैठा है भोग लगाते नीचे उतर आई तो नीचे उतर आई क्यों क्या तो भोग खोल के देखा तो हलवे में शुगर जो डालते हैं ना उसमें मकोरी माकोरी का कोई पंख पा रहा था माकोरा मा होता है ना चिट्टी माकोरा होता है माकोरे का जो पंख है ना सो बड़ा, चीट, बड़ा इतना, छोटा सा जितना कांटे जितना जरा सा उसमें पंख पड़ा था तो आई तो दिखाया बाबा ने उसको दिखाया ये हलवे में ये जरा सा ये पड़ा है तब से लेकर ध्यान अरे तुम जब शुगर डालते हो हलवे में शुगर भी साफ करो कोई माकोरी का कोई पंख न पड़ा हो बाबा इतना ध्यान खेचवाया है संदेशी ऊपर जाके उतर आई बाबा तो बहुत बाबा को भोग का बड़ा महत्व था बाबा को भोग लगाने का तभी से इतना ध्यान में भंडार में जाएंगी देखेंगी भाई संभालो बाबा को पकड़ बाबा ने पकड़ लिया तो इतना ध्यान रखना चाहिए हमारी इतनी ऊंची स्थिति हो इतना ध्यान रखें जरी सी भी संकल्प की है, इतनी है। और, और बात सुनाती हूं मैं जब पुणे में रहती थी जो मेरे साथ बहने रहती थी देखती थी आज इसकी मूड ठीक नहीं है थोड़ा ठीक नहीं है मैं प्लीज तुम जब बाबा के रूम में बैठो खाना मैं बनाती हूँ बाबा को भोग ऑफर करेंगे बाबा खाएंगा नहीं मेरा मैं इतनी स्ट्रिक्ट रही हूँ शिक्षा हूँ करके चलिए प्लीज खाना ऐसा बादा बनेगा बाबा मेरा नहीं खाएगा भंडारा कैसे चलेगा बाबा कहते भंडारी ये और भंडारा वो सदा भरपूर हो किसे मांगना न पड़े इतना शुद्धि इतना प्यार सच्चा हो ऐसे मुंह कुछ रूठी कुछ पियर घर का बुलावा हुआ कुछ यहां से अपसेट हुई कुछ लोग के बुला लिया ऐसों को का, हाथ का कैसे बाबा खाएगा? जिसको कोई लौकिक की याद आती है फलन याद आती है उसके हाथ का बाबा को खाना नहीं खिलाना है हमको ऐसा सच्चा ब्रहर बनो तो बाबा हमारा शिक्षक भी है तो रिक्षक भी है शिक्षक है पहले शिक्षक है फिर रिक्षक है शिक्षाओं को जो पालन करता है बाबा उनकी रिक्षा करता है जो शिक्षा अनुसार नहीं चलता है तो बाबा बंधे मान नहीं है हाँ। बाबा फिर भले चोर लेके जावे या कुछ भी हो जाए बाबा कहेगा ड्रामा शरीर को कुछ हो जाए बाबा कहेगा नहीं तो शरीर को जरा बाबा ऐसे करके ठीक कर देता है जादू करे बाबा पर मैं कहूँ बहुत बीमार है फलाने डॉक्टर की दवाई टिरे डॉक्टर की दवाई इसकी डगरे से साधन डॉक्टर ही सोचते रहता दवाई सोचते रहना तो बाबा कैसे इस मदद करेगा संभालो मीठे बाबा को हाँ वैसे डॉक्टर अच्छे हैं बतो मेहनत करते हैं परंतु उनकी भी तो को बाबा से लगवा देना बीमार पूछते हैं निमित दादी हॉस्पिटल हाँ में का का भला का भला आ, तो मनी भी वेस्ट करना मेरे कारण पैसा खर्च हो गए मैं थोड़ी करी स्ट्रिक हो जाती हूँ क्यों खर्चा हुए एक नामी एक का नामी से जो नहीं चलता है विघ्न मुक्त तो नहीं बन सकता एक यज्ञ में पैसा डालते हैं भावना पूरी करने के लिए भावना से डालते हैं भंडारी में पैसा आया पैसा तो सीधा नहीं खाते हैं ना हमारे अनाज लाने वाले भी अच्छी तरह से ले आने वाले एक ही से लाएंगे टाइम पर लाएंगे सब्जी ले आने वाले भी फालतू ऐसे नहीं सब्जियां देखेंगे टाइम अनुसार ही अच्छी मिलती है पूरा ध्यान रखते हैं, कपड़ा भी कैसा ट्रॉली समय पर जो मिलता है ध्यान रखते हैं, भावना से डाला जैसे डाला पर जिसने संभल के खर्च किया खर्च नहीं किया यज्ञ में जो बात जरूरी है पर किया मैं किसने फालतू खर्च किया गफलत की तो उन्हों को तो भाड़ा मिल जाएगा जिन्होंने फालतू खर्च में पैसा गमाया उसको क्या हाल होगा बोझा चढ़ेगा मैं कभी अकेली कार में नहीं चढ़ती हूं चार जने बैठे मेरे कारण कार नहीं जा सकती चार्ज चार बैठ बैठे, पेट्रोल खर्च हुआ कभी नई कार कभी नहीं ली है आज दिन तक कभी नहीं ली है सेकंड हैंड थर्ड हैंड पांच साल सात साल चलती है किसोना अढ़ाई सौ पाउंड में पहले कार ली थी आठ साल चलिए लंदन में ऐसे कोई लंदन में रहते तो कोई हम ऐसे रहेंगे बीएमडब्ल्यू कार वो फ मुझे नाम भी नहीं आता है पता नहीं कैसे उनको पता चलता है ये कार ऐसी होती है ऐसी होती है इसलिए शक्ति ऐसी है जो आज लाठी उठान तो नहीं पड़ी ना भाई लाठी का भी अच्छी चल सकती है कमर भी मजबूत है टांगे भी मजबूत है यारह नंबर बस अच्छी है यार नंबर बस अच्छी है तो इतना अपने आप को एका नामी और एक नामी का भी जिसने समझा उसने जीवन मुक्ति बद पाया अपने प्रति इस शरीर में आत्मा अपन प्रति मेरा बाबा कैसे का नाम से चला मैं बाबा को फॉलो करेंगी न किसी दादी दीदी को फॉलो करेंगी मैं दादी दीदी हूं ही नहीं छूटी पर ही हो सर्वन टू ये कोई भी ड्राइव करके लेके जा सकता है मुझे जानो अच्छा मैं चलता हूँ माँ चल नंबर लग जाता है तो आज मैं लेके जाऊँ हाँ तुम लेके जाओ अच्छा ये लेके जाओ अच्छा लेके जाओ इंदू ऐसे होता है ना कोई पूछता है मैं कहूँ नीचे आएंगी ना मैं आप ही मुझे मिल जाएंगी तुम चिंता मत कर इंदू की ड्यूटी है तो एक का और एक नामी बहन, बहन, बहन मना करना पड़ता, ना क्या? क्या बोला? इंदु की है ना की ड्यूटी ड्यूटी है।, है का, अभी, अभी दिल्ली में बारह हजार को खाना दिया टोली दी कई को जितना दिन प्रैक्टिस थी कितने दिन उनको अच्छी तरह से खाना पीना देती रही पर सब अच्छा देंगे पर एका नाम से ऐसे नहीं जो आए सो खाओ खाओ नहीं अपने करमेंद्रों पर जीत भी ऐसी हो जो कहा आंख न डूबे ये मुझे चाहिए खाना ये अच्छा है मुझे चाहिए कपड़ा ये अच्छा है मुझे चाहिए वो कभी भी घनमुक्त तो नहीं बन सकते बाबा ने कहा यह सारी अच्छी पहनी हुई है यह मुझे होनी चाहिए यह भी ख्याल आया ना यह सारी अच्छी है वो भी विखन मुक्त नहीं बन सकता बहुत काल से एकानी और एक नामी का वृत्त है बड़ा अच्छा तो कभी भी मैं बताती हूं ये संकल्प भी किया फैमिली में बैठे हैं एक पे, पेनी कोई डॉक्टर पर मेरा खर्चा नहीं हुआ है नेवर जो हमारा जीपी है ना वो खुद ही खर्चा कर लेता है अरे तुम काहे को करता है? नहीं तुम मेरी मां नहीं हो क्या कभी मैं हमारे से चेक काट के ले हुए ना नहीं देंगे कभी कभी ट्रस्ट नहीं दिया है भाई तुम ट्रस्ट नहीं नहीं बिल तो आएगा हॉस्पिटल वाले में चले लेंगे परंतु वो कैसे दे देता है हमको पता भी नहीं है, कि तुमको पता रखने जरूरत क्या है तो इसमें एक त्यागवृत्ति विघ्न मुक्त की बात में मेरे पास बहुत लिस्ट है त्यागवृत्ति दूसरी अनासक्त वृत्ति किसी में आसक्ति नहीं तीसरी उपरां वृत्ति क्या ऊपर है? ये तीनों बातें अगर इसने अच्छी तरह से किसी समझी और जीवन में लाई तो बस फिर है बाबा की कमाल देखना कैसे बाबा अनेकों को, को निमित बना करके सेवा के अर्थ संयोगी बना देता सेवा है पर त्याग वृत्ति एक बार छोड़ा ना फिर सेवा बुद्धि न जावे त्याग है भाग्य भाग्यवान है बाबा ने त्यागी बना दिया तो पहले वैराग त्याग तो बाबा कहते तुम हो पूरे संन्यासी पूरे सन्यासी दुनिया में कोई हमारा कुछ नहीं सन्यासी क्या कर घर छोड़ देते हैं पर हम संन्यासी पूरा दुनिया से संन्यास पता है सब खलास हुआ पर है ऐसी वृत्ति जो है ना त्याग वृत्ति है सब सकता है इच्छा नहीं होंगी ये चीज अच्छी है मुझे चाहिए फेल मैं इतनी भी अंतर से कहती हूं कोई मेरे लिए भी ये भी सोच दादी के लिए चीज अच्छी है क्या जरूरत सोच है सोचने की? आवश्यक होगा आप ही आएंगा अनासक्त वृत्ति का एक नष्टो मोहा दूसरा अनाशक्त वृत्ति ये दो बातों में बड़ा अच्छी मार्क्स मिल सकती है कभी किस तरह से भी कोई हम पहले कम मार्क्स है हमारे पास जो हुई है पर अगर अनासक्त वृत्ति नष्टो मोहा इसको अच्छी तरह से समझा तो जो पहले पढ़ाई में हम नीचे पर हुए हैं, वो हमारे को फिर पास मार्क्स अच्छी मिल सकती है। पास तो क्या फुल पास वापस अंदर में आ सकते हैं कहा आंख नहीं डूबे ये बात अच्छी है क्या अच्छा है साइंस की साधन है कोई मेरे लिए तो सेवा अर्थ है सेवा अर्थ है मेरे लिए नहीं है सेवा मेरे लिए साइलेंस पावर है अंदर से पर्सनल साइलेंस पावर है वो काम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में विश्व सेवा में काम कर रही है साइलेंस डीप साइलेंस सच्ची साइलेंस आप ही साइलेंस पावर ऑटोमेटिक काम करे चार काम फौरन करती है साइलेंस पावर जैसे ये साइंस पावर कहीं ऑटोमेटिक कई काम कर लेती साइलेंस पावर किसी को सहारा चाहिए किसको संग चाहिए किसको समझ चाहिए, चाहिए, चाहिए किसको संयोग चाहिए जो शब्दों से नहीं हो सकता है हाजुरी से नहीं हो सकता है साइलेंस पावर से हो सकता है सारा थोड़ा सा बेचारे के आगे बहुत डिफिकल्ट थोड़ा सारा। ऐसे नहीं उसको डिपेंड बनाना है थोड़ा सारा मिलने से संग चाहिए उसको संग का रंग बहुत खराब करता है संग समझ जाइए किसको अपनी समझ काम नहीं करती है हाँ। संयोग चाहिए योगी वो जो संयोगी हो सहज योगी हो खुद सहज योगी है कर्म योगी है ऐसे नहीं कर्म छोड़ करके योग में बैठा है उसमें कर्म योग से भी अंध सहज योग से भी चारों काम कर रहा है किसको साथ किसको सारा किसको सज्ञ किसको समझ तो उसकी बुद्धि खुल जावे तो अंदर से बाबा बहुत कुछ देता है दिया है हम यूज करें तो ये भी हंसी में मैंने कह दिया था मैंने बाबा को बहुत यूज किया है तो बाबा मेरे को यूज करता है समझा तेरी बात चंद्रास भाई हमने बाबा को बहुत यूज किया हाँ। तो वो उसका भी वो भी उसके लिए थोड़ी यूजफुल हो गई तो भाग्य ना हाँ। इतना बाबा से फायदा मिलता है मिला है तो उसका गीत गाने के बगैर और कुछ बुद्धि में चलता ही नहीं है उसका गीत गाओ खुशी में आकर के उसके गुण गाओ पाँव ऑटोमेटिक नाचने लग पड़े हाँ। गाने के बगैर नाचेंगे कैसे जब कोई डांस करती है ना गाना जब तक नहीं बजता है तो डांस बिचारी कैसे करे तो गाना भी चाहिए तो डांसर भी अच्छी डांस की रियल प्रैक्टिस की हुई हो तो सेवा है डांस क्या है शेवा डांस है डांस अच्छी कौन कर सकता जो गीत अच्छा गाता है बाबा के गुण गाता है ओके हो गया कोई हज जा नहीं है। ऐसे दिन फिर तो रोज थोड़ी आते हैं नहीं गुरुवार का दिन है ना तो बहुत है दादी और कोई इम्पोर्टेंट मुख्य क्वेश्चन तो चला गया माकोरा की चिट्ठी चला गया तो मच्छर चला गया मुक्त तो हो गए बाकी क्या चाहिए कल फिर रखो ना दादी हाँ कल फिर रखो और कोई खास हो बता। मैं समझती हूँ मुख्य क्वेश्चन आ गया साइलेंस पावर समझी ना तो कभी कोई बात के अधीन नहीं होंगे मुझे सत्ो प्रधान बनना है ना बस सब समापत हो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है ओके थैंक यू अच्छा ओम शांति और सीजन में जब क्वेश्चन आंसर होता है ना तो समझे समझते हैं अच्छा हमारे दुबन की याद ये बात आवश्यक है जो सारी काम में आती है